क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी, प्रूव दैट पोलर प्लेन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, यानी इसमें हमें प्रूव करना है कि कोई भी पोलर प्लेन है किसी भी एक पॉइंट का और वो पॉइंट लाई करता है एक लाइन पर, और उस लाइन की इक्वेशन है एक्स बाय टू इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू जेड प्लस थ्री बाय फोर विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर, और स्फीयर की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन पासिस थ्रू द लाइन, और वो स्फीयर जो है वो भी पास करता है एक लाइन से जिस लाइन की इक्वेशन है टू एक्स प्लस थ्री बाय थर्टीन इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू जेड अपॉन में माइनस वन, यानी जो स्फीयर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन वो भी पास करता है किसी एक लाइन की लाइन से, ठीक है, उस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन दे रखी है टू एक्स प्लस थ्री अपॉन में थर्टीन इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन में थ्री इज इक्वल टू जेड अपॉन में माइनस वन, और इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में एक लाइन है जिस पर कोई भी एक पॉइंट है उस पॉइंट का पोलर प्लेन है, ये हमें प्रूव करना है कि कोई भी एक पोलर प्लेन है किसी एक पॉइंट का और वो पॉइंट किसी एक लाइन पर है और वो लाइन जो है विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर है और स्फीयर जो है वो पास करता है थ्रू ए अनदर लाइन। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, कोई भी एक पोलर प्लेन है किसी एक पॉइंट का और वो पॉइंट जो है वो लाई करता है किसी एक लाइन पर और वो लाइन है विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर और स्फीयर पास करता है टू द अनदर लाइन। नाउ सॉल्यूशन, अब हम सॉल्यूशन बिल्कुल क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे कि कोई भी पोलर प्लेन है किसी एक पॉइंट का, कोई भी एनी पॉइंट है उसका, कोई पोलर प्लेन है वो भी वो पॉइंट जो है लाई करता है लाइन पर, तो हम मानेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में कि कोई भी एनी कोई भी पॉइंट है और वो लाइन पर है, ठीक है, और उस लाइन की इक्वेशन जो है वो एक्स बाय टू इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू जेड प्लस थ्री बाय फोर है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, उस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट है और वो पॉइंट क्या होगा, देखिए उस पॉइंट को निकालने के लिए हमने लाइन को इक्वल टू कर दिया आर के, से इक्वल टू आर, इट मीन्स एक्स बाय टू इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू जेड प्लस थ्री बाय फोर इज इक्वल टू आर इज इक्वेशन नंबर वन। अब मैं कोई भी एनी पॉइंट निकाल सकता हूँ, कैसे, अब देखिए कैसे निकाल सकता हूँ मैं एक्स बाय टू को आर के इक्वल करके, ठीक है, ऐसा करने से एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास, एक्स बराबर आ जाएगा टू आर, ठीक है, तो 2r हमने लिख दिया जैसे कि यहाँ पर। फिर इस तरीके से हमने दूसरी चीज़ कंपैरिजन करी, वो क्या है y माइनस वन को r के इक्वल करके, y माइनस वन को जब r के इक्वल करा तो 3r प्लस वन आ गया, इस तरीके से z प्लस थ्री इज इक्वल टू r के इक्वल कर दिया तो 4r माइनस थ्री z की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू 2r, y की वैल्यू 3r प्लस वन, z की वैल्यू 4r माइनस थ्री, तो हमें मिल गया एनी पॉइंट ऑन द लाइन, कोई भी ऐसा पॉइंट लाइन पर वो होगा जिसके कोऑर्डिनेट 2r, 3r प्लस 1, 4r माइनस 3 होंगे। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे पोलर प्लेन, पोलर प्लेन ऑफ द पॉइंट 2r प्लस 2r, 3r प्लस 1, 4r माइनस 3, यानी कि जो भी पॉइंट निकाला हमने उस पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर के पोलर प्लेन निकालेंगे, वो पोलर प्लेन कैसे निकालेंगे भाई, जो हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो उसकी जगह पे पोलर प्लेन निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट हाउ कैन आई फाइंड पोलर प्लेन, वी कैन मॉडिफाई द स्फीयर इक्वेशन विच इज़ एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश प्लस जेड जेड डैश इज इक्वल टू 1, जहाँ पर एक्स डैश की जगह पर हम लिख देंगे 2r और वाई डैश की जगह पर 3r प्लस 1 और जेड डैश की जगह पर 4r माइनस 3, ऐसा करने से क्या होगा हमारे पास एक पोलर प्लेन मिल जाएगा, ये हो गया 2rx प्लस 3r प्लस 1 इंटू में y प्लस 4r माइनस 3 इंटू में z इज इक्वल टू 1, नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन दिस वो क्या बन जाएगी z y माइनस 3z माइनस 1 प्लस r कॉमन लेने के बाद 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, दिस इज एन इक्वेशन सेकेंड, और इक्वेशन सेकेंड ही है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, और जैसा कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन दे रखा है कि जो प्लेन है वो पास करता है थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, और जब प्लेन टू जो है वो पास करता है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर का जो कोफिशियंट है वो 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और फिर y माइनस 3z माइनस 1 जो है ये वाला हिस्सा उसे अलग कर देंगे, इसे लेट मान लो ए इक्वेशन, इसे मान लो बी इक्वेशन भाई, ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, बी इक्वेशन से हमें y की वैल्यू मिल जाती है
कैसे, माइनस थ्री जेड और माइनस वन इधर जाके प्लस के बन जाएंगे, वाई इज इक्वल टू थ्री जेड प्लस वन, और वाई की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर वन के अंदर। वाई की वैल्यू जैसे ही मैं पुट करूँगा, वाई की जगह पे मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, थ्री जेड प्लस वन, तो वही लिख दिया मैंने, टू एक्स प्लस थ्री इंटू में थ्री जेड प्लस वन प्लस फोर जेड इज इक्वल टू जीरो। तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, थ्री थ्री नाइन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2x प्लस थ्री प्लस थर्टीन जेड इज इक्वल टू जीरो सॉल्व करने के बाद आएगा, और x और z में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, चलिए करके देखते हैं। थ्री थ्री जब मल्टीप्लाई होगा तो नाइन जेड, और ये प्लस बाहर फोर जेड, तो हो जाता है नाइन जेड फोर जेड थर्टीन जेड, और थ्री जो है वन से भी जाके मल्टीप्लाई होगा तो थ्री हो गया, और टू एक्स तो है ही। तो ये जो है टू एक्स प्लस थ्री इस तरफ ले जाएगा, और थर्टीन जेड जो है वो इस तरफ मैं ले जाता हूँ ज़ीरो की तरफ, तो माइनस थर्टीन जेड हो जाएगा। अब क्या होगा, जो 13 है ये वाला हिस्सा जो z का 13 है, वो 2x प्लस थ्री जेड के नीचे आ जाएगा। फाइनली मेरे पास बन जाएगी ये चीज़, 2x प्लस थ्री अपॉन में 13, और यहाँ पर z माइनस जेड है अपॉन में 1 बोल सकता हूँ मैं, या माइनस 1 बोल सकता हूँ एज ए रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रूफ, क्योंकि प्रूफ की रिक्वायरमेंट ही है कि जो 1 है वो नीचे माइनस 1 होना चाहिए, जो मैं नीचे लगा सकता हूँ आराम से। तो इस रिलेशन के हिसाब से 2x प्लस थ्री अपॉन में 13 इज इक्वल टू जेड अपॉन में माइनस 1, ये हमारे पास एक रिलेशन मिल गया है, जैसा कि क्वेश्चन में पहले है। देखिए यहाँ पर कि 2x प्लस थ्री अपॉन में 13 इज इक्वल टू जेड अपॉन में माइनस 1। अब हमें एक और चीज़ ढूंढनी है, वो क्या है, y माइनस 1 अपॉन में 3 कैसे आएगा। तो y माइनस 1 अपॉन में 3 मतलब मुझे 2x प्लस थ्री अपॉन में 13 यानी कि x और z में रिलेशन निकाल लूँ, या y और z में रिलेशन निकाल लूँ, ऐसा कुछ निकालने से हो जाएगा। तो मैं लेकर चलता हूँ इक्वेशन नंबर बी को, तो जो कि ये रही y माइनस थ्री जेड माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर बी है ये। और इक्वेशन नंबर बी में पुट कर देता हूँ द वैल्यू ऑफ माइनस जेड, तो माइनस जेड जो है यहाँ पर उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, जो क्या है 2x प्लस थ्री अपॉन में 13, तो ये पुट कर दिया y प्लस थ्री इंटू में 2x प्लस थ्री अपॉन में 13 माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। फिर लेफ्ट साइड में जो है रह जाएगा y माइनस 1, और जो ये वाला हिस्सा है वो राइट साइड में ले जाएंगे हम, माइनस थ्री इंटू में 2x प्लस थ्री अपॉन में 13, फिर इससे y माइनस 1, और ये रह गया। अब करना क्या है, वो जो माइनस थ्री है वो इस तरफ चला आएगा, और इससे हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो y माइनस 1 अपॉन में माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन में 13 इक्वल हो गया, तो इससे हमें हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो मिल गया। तो पहला हिस्सा तो मिला है 2x प्लस 3 अपॉन में 13 इज इक्वल टू z अपॉन में माइनस 1, और फिर दूसरी चीज़ मिल गई है यहाँ पर से y माइनस वन अपॉन में माइनस थ्री इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन में 13। तो फाइनली इन तीनों चीज़ों से हमारे पास ये रिलेशन आ गया, रिक्वायर्ड रिलेशन, कि 2x प्लस 3 अपॉन में माइनस 13 जो है वो y माइनस 1 अपॉन में माइनस 3 के इक्वल है इसके हिसाब से, और जो 2x प्लस 3 अपॉन में 13 z अपॉन में माइनस 1 के इक्वल है, y माइनस 1 जो है अपॉन में माइनस 3 जो है वो भी z अपॉन में माइनस 1 के इक्वल है। तो हैंस प्रूव्ड।